hello good morning student. dear student today we will discuss about statistic of the living things means uh, next uh, living things can grow so all you know about the, all the living things need to the grow and they grow their shape size body weight and height change after some years and they die you see the example when we plant seed in the soil when we plant seed in the soil after some time they start the settling and they become the young plants and after some days after some month it grow or some year it grow into the adult plants means a a, a plant okay and now see the many examples of the growing living things can grow okay now see the many examples like uh,

their certain age not continuously growing at the time where the uh, where the uh, growth is the stoppage okay now uh, see the next uh, topic living things need to the living things have a different life span first of all you know about the what is the life span life span hota now see the period from the birth to the नेचुरल डेथ द पीरियड फ्रॉम द बर्थ जो है नेचुरल डेथ आप एग्निज्म दैट इज नोन एट द लाइफ स्पॉन उसको हम क्या बोलते हैं लाइफ इस्पान बोलते हैं तो एक सर्टेन पीरियड होता है किसी भी ऑर्गनिज्म का सर्टेन ऑर्गनिज्म आग, जो भी अर्थ पे ऑर्गनिज्म है सभी ऑर्गनिज्म का एक जो है निश्चित लाइफ इस्पान होता है नोसी द मैनी एग्जाम्पल फॉर द सर्टेन लाइफ इस्पॉन मीन्स लाइफ इस्पान ऑफ द एनिमल्स नोसी

हाउस फ्लाई वन टू फोर मंथ वन टू फोर मंथ एंड नाउ सी द राइस राइस की जो लाइफ एक्सपायरी डेट है वो भी क्या है वो भी फोर मंथ है फोर मंथ एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द राइट राइट आर यू नो अबाउट द राइट टू टू थ्री ईयर एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द स्क्वान्स अ स्क्ायर का होगा एट टू नाइन ईयर एंड एक्सपायरी डेट ऑफ डॉग मीन्स ट्वेल्व और फिफ्टीन ईयर ट्वेल्व टू फिफ्टीन ईयर एंड लायन लायन का एक्सपायरी डेट देखेंगे तो ये लगभग ट्वेंटी ईयर लायन का देखते हैं एक्सपायरी डेट ऑफ द लायन 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 ट्वेंटी ईयर ट्वेंटी टू फिफ्ट ट्वेंटी फाइव ईयर एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द ऑस्ट्रीच ऑस्ट्रीच इसकी एक्सपायरी डेट है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर ईयर्स एंड ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स ह्यूमन लाइक मैन ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पान मैक्सिमम प्रजेंट टाइम मीन्स सिक्सटी फाइव टू एट्टी ईयर और हंड्रेड ईयर्स एंड एंड बनियान ट्री नौशी द बनियान ट्री बनियान ट्री दे आर लाइफ स्पान इन द टू हंड्रेड इयर टू हंड्रेड इयर एंड दीज आर द लाइफ स्पान ऑन द एनिमल्स सर्टेन एनिमल्स तो ऑल यू नो अबाउट द लाइफ स्पान अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड ऑफ द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द ऑल द ऑर्गेनिजम

फ्रॉम अ बिगनिंग मीन्स फ्रॉम द बर्थ टू दैचुरल डेथ दैट इज नौन एट द लाइफ स्पान देर आर फॉलोइंग लाइफ स्पान गिवेन इन योर बुक ओके तो दीज आर दीज आर दैटिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑल द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूज दे आर ओन काइंड्स The living things need, all the ne living things have enormous capacity, enormous capacity to give young ones their own kinds. Understand? So now see the next topic living things reproduce. Thank you.